असम की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस लागू करने पर काम शुरू हो गया। DGP ऑफिस ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। DGP ऑफिस से सभी जिले के कप्तानों, IG, DIG रेंज और ADG जोन को पत्र भेजकर इस पर अमल के निर्देश दिए हैं। DGP OP सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इसका मसौदा भेजा है। इसमें निर्देश दिया है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रोड किनारे और उसके आसपास बसी नई बस्तियों की पहचान की जाएगी। बस्तियों में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर उसका सत्यापन कराया जा रहा है। यदि कोई किसी अन्य जनपद का अपने को निवासी बताता है तो जिले से भी सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को PGI लखनऊ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद चिन्मयानंद को दोबारा शाहजहांपुर जेल में भेजा गया। चिन्मयानंद को 23 सितंबर को सीने में दर्द और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद PGI में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद हृदय रोग विशेषज्ञों की निगरानी में चिन्मयानंद का इलाज PGI लखनऊ में चल रहा था। वहीं PGI से छुट्टी मिलने के बाद देर रात लगभग 2:20 पर उन्हें जेल लाया गया। सहारनपुर में अवैध खनन मामले में CBI की टीम सहारनपुर और लखनऊ में छापेमारी की। सहारनपुर में पट्टों के आवंटन के मामले में नई प्राथमिकी दर्ज की है, जिसके बाद ये छापेमारी हो रही है। सहारनपुर में CBI की टीम ने पूर्व बसपा MLC और खनन माफिया इकबाल के आवास पर छापेमारी की है। इसके अलावा उनके मिर्जापुर स्थित आवास पर CBI की टीम मौजूद रही। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर आवास पर पूर्व MLC इकबाल से CBI ने पूछताछ की। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर योगी सरकार इतिहास बनाने जा रही है। CM योगी ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जो अनवरत 36 घंटे लगातार चलेगा। ये पहला मौका है जब सदन का विशेष सत्र गांधी जयंती पर बुलाया गया है। विधानसभा का विशेष सत्र 2 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जो 3 अक्टूबर की रात 11 बजे तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि सभी सदस्यों को विशेष सत्र में बोलने के लिए मौका रहेगा। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर सभी के लिए समय भी तय है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर सपा से गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सपा के लिए अभी भी गुंजाइश है। उन्होंने लोकसभा चुनाव पहले भी प्रयास किए, लेकिन साजिश रचने वालों ने ऐसा नहीं होने दिया। शिवपाल सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रदेश सरकार को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि आज लूट, हत्या और डकैती आम बात हो गई है। अपराधी जहां निरंकुश हैं, तो वहीं रोजगार न मिलने से युवा परेशान है। अलीगढ़ के इगलास विधानसभा सीट से RLD के प्रत्याशी सुमन दिवाकर का नामांकन खारिज हो गया है। बताया जा रहा है कि RLD प्रत्याशी सुमन दिवाकर ने नामांकन पत्र में प्रारूप 26 शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने मोबाइल नंबर का भी फॉर्म जिक्र नहीं किया। इसके चलते उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर नोएडा अथॉरिटी ने दुनिया का सबसे ऊंचा चरखा बनाया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। इस चरखे की ऊंचाई 14 फीट, लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट में अपना पुराना फैसला वापस ले लिया है। अब इस एक्ट के तहत बिना जांच के FIR दर्ज की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला SC ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है। कुशीनगर में MP MLA कोर्ट ने सांसद विजय कुमार दुबे को हिरासत में लेने का आदेश दिया और कोर्ट परिसर में बने बैरक में बैठने की सजा सुनाई। सांसद पर साल 2009 और 2014 में जन समस्याओं को लेकर अहिंसात्मक आंदोलन में हिस्सा लेने का आरोप है। बलिया के ARM बिंदु प्रसाद ने DM भवानी सिंह खंगारौत पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए प्रबंधक निदेशक को अपना इस्तीफा भेज दिया है। MRM का आरोप है कि DM ने कार्यालय पहुंचकर कॉलर पकड़कर घसीटा और जबरन गाड़ी में बिठाकर जेल ले गए। इस दौरान उन्होंने जाति सूचक गालियां दी। BJP के सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कमलेश निषाद, अर्जुन कश्यप समेत 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा। आरोप लगाने वाली महिला ने इस संबंध में बाराबंकी के नगर कोतवाली थाने में एक शिकायत पत्र भी सौंपा। पीड़ित का कहना है कि वो निषाद पार्टी की कार्यकर्ता है,
एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उससे गैंगरेप किया गया। सोनभद्र के रेणुकूट नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह के अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। इस घटना के विरोध में नगर पंचायत अध्यक्ष के समर्थकों ने वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कानपुर की घाटमपुर तहसील में एक रिटायर्ड सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने गूंगी महिला के साथ बलात्कार किया। पीड़िता खेत की तरफ किसी काम से जा रही थी, तभी रिटायर्ड कर्मचारी सुरेश ने महिला का पीछे से दबोच लिया और उसके साथ रेप किया।